का जाप करते जा रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और मन में सोचते जा रहे हैं श्रुतियों में यदि सत्य लिखा है, वेदों का वचन यदि सत्य है, वेद जिसको नेत नेत कहकर पुकारते हैं, जो निजानंद निरुपाधि अनूप है, वो परमात्मा हमें आके दर्शन दे, यही अभिलाषा है हमारी। यही विधि बीते बरस सट सहस बार आहार, सम्मत सप्त सहस्र पुनी रहे समीर आधार। मंत्र का जाप करते करते 6000 वर्ष बीत गए खाली पानी पी के। अखंड जाप चल रहा है, केवल जल पी लेते हैं और 6000 वर्ष बीत गए। उसके बाद में कहते हैं पानी पीना बंद कर दिया, तो क्या किया? बोले वायु पीकर के 7000 वर्ष तक रहे। यही विधि बीचे बरस सट और सहस्र वारी आहार, 7000 वर्ष खाली हवा पी करके रहे और बिना वायु के बिना पानी के 10000 वर्ष और तय कर दिए। आहा, 23000 वर्षों तक उन्होंने भजन किया, जप किया, ऐसा रामायण जी में लिखा है। सात हजार वर्ष, फिर 6000 वर्ष और फिर 10000 वर्ष, हो गया ना 23000। देवता लोग प्रकट होकर के आ गए, बोले अब आप तपस्या छोड़ दो, जो चाहिए सो हमसे मांग लो, जो अभिलाषा हो सो हमसे बोल दो। स्वयं वो मनु कुछ बोले ही नहीं। हाँ, इसका मतलब क्या है कि साधना के पथ पर जब चलोगे तो लोभ बड़ा आएगा, देवता लोग प्रलोभन देंगे, कई प्रकार के विघ्न भी कर देंगे, लेकिन उसमें विचलित मत होना, ध्यान को केंद्रित रखो, उसको पाना है, उसको पाना है, उसको पाना है। देवताओं ने कई प्रकार के प्रलोभन दिए लेकिन बिल्कुल बोले ही नहीं। प्रभु तो सर्वज्ञ हैं कि प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्यता पसन परानी। भगवान उनकी अनन्यता को समझ रहे हैं। देखो ब्रह्मा जी, वरुण जी, यम जी, कुबेर जी, सूरज, चंद्र, इंद्र, देव, सबने खूब प्रलोभन दिया, लेकिन भगवान समझ रहे हैं ये अनन्य हैं। और अनन्य का मतलब क्या होता है? बोले न अन्य अनन्य, जिसकी दृष्टि में एक के अलावा दूसरा कोई आवे ही नहीं, उसको अनन्य कहते हैं। इसलिए अपने दास के मन की स्थिति को भगवान समझ गए तो भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी में भगवान पहले बोले, हम बहुत प्रसन्न हैं, आपके मन में जो अभिलाषा है मांग लो, जो कहोगे सो हम करेंगे। भगवान की वाणी को समझ गए ऋषि स्वयंभव मनु, और परमात्मा के मुख से निकली वाणी आकाशवाणी को जब सुना तो श्रवण सुधा सम बचन सुनी, और स्थिति क्या हुई? बोले पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु कर दंडवत प्रेमन हृदय समात। समाधि तो पूर्ण हो गई, पुलकित तो हो गया शरीर, स्फूर्ति आ गई, नहीं तो एकदम हड्डी हड्डी हो गया था, शरीर में बचा ही क्या था, लेकिन भगवान की अमृत रसमयी वाणी को सुनकर के शरीर स्वस्थ हो गया। आहा, और उन्होंने कहा आप यदि बहुत प्रसन्न हैं, हे मेरे सीताराम, आप यदि अत्यंत आनंदित हैं और हम पर प्रसन्न होकर के कुछ देना चाहते हैं तो ऐसे आकाशवाणी मत करो प्रभु, हमको तो आके दर्शन दे दो। जब तक आप दर्शन नहीं देंगे अपन आंखें खोलेंगे ही नहीं, कन्फर्म है। हाँ, कह तो आओ और हमें दर्शन दो।
भगवान ने कहा ठीक है तुम मांग तो लो। बोले वो सब तो बाद की बातें, पहले दर्शन। भगवान ने कहा तो ठीक है अपन वो आते हैं अभी सुदर्शन चक्र लेके और गरुड़ पर चढ़कर अभी आते हैं। बोले वो झांकी आपकी सब अच्छी है प्रभु, लेकिन हम को तो एक ही झांकी देखनी है कि जो अनाथ हित हम पर नेहु, जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होए यह बर देहु, तो प्रसन्न होए यह बर देहु, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप निगम प्रशंसा, सुने निगम प्रशंसा, देखहि हम स्वरूप भर लोचन, देखहि हम स्वरूप भर लोचन, कृपा करहु प्रण तारति मोचन, कृपा करहु प्रण तारति मोचन, दंपति वचन परम प्रिय विश्ववास प्रगते भगवान, 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 विश्ववास प्रगते। महाराज जी बात ऐसी है वो आप आकाशवाणी में मीठी मधुरी वाणी बोल रहे अच्छा लग रहा है, लेकिन हमको तो वो रूप देखना है जो शिव जी के मन में बैठा है, जो स्वरूप बस शिव मन माही वो हमको दिखाओ। और जिस रूप को देखने के लिए मुनि लोग बड़े बड़े यत्न करते हैं, और जो भुसुंडी मन मानस हंसा, जो भुसुंडी बाबा के मन का हंस स्वरूप में विराजमान है, जो सगुन भी है अगुन भी है, वेद जिसको प्रशंसा करते हैं, देखें हम स्वरूप भर लोचन, बस वो झांकी हमें दिखा दो महाराज जी। ये आकाशवाणी से काम चलने वाला नहीं है, और जब तक वो झांकी सामने आएगी नहीं हम तो बिल्कुल आंखें खोलेंगे ही नहीं। दोनों ने बोल दिया, पति पत्नी दोनों है। भगवान तो गदगद हो गए, अरे तुम प्रेम से पुकारो तो सही, भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रकटे भगवान, भगवान विश्ववास हैं। विश्ववास का मतलब पूरी दुनिया में वास करते हैं, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट ओई में जा। कोई बैकुंठ से उतर के आ रहे हैं कि साकेत आ रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं है, वो तो सर्वत्र व्याप्त हैं। जब तुम प्रेम से पुकारोगे वहीं प्रकट हो जाते हैं, तो मेरे परमात्मा प्रकट हो गए। और जैसे ही भगवान प्रकट हुए इन दंपति ने आंखें खोल करके देखा, आहा हे राघव इतनी प्यारी झांकी, कि नील सरोर व नील मणि नील नीर धर श्याम, लाजहि तन सोभान रखी कोटि कोटि सत्य काम।
भगवान नील कमल जैसे दिख रहे हैं, नील कमल जैसे। एक बोले नहीं नहीं नील कमल जैसे नहीं है तो कैसे हैं? कि नीलमणि जैसे। नीलमणि देखी है? नीलमणि जैसे भगवान का स्वरूप है। बोले नहीं, नील नीर धर श्याम, भगवान का रूप तो ऐसा है जैसे नीला जल होता है ना आकाश में बादलों में, ऐसी सुंदर प्रभु की झांकी। एक बात आपसे कहूं, भगवान की झांकी का वर्णन कमल से ज्यादा किया जाता है। ये क्या है? बोले चरण कमल। ये क्या है? बोले मुख कमल। ये क्या है? बोले नेत्र कमल। ये क्या है? बोले हस्त कमल। है कमल की उपमा भगवान से ज्यादा दी जाती है। क्यों? क्योंकि कमल पानी में रहकर भी पानी से अलग रहता है। कमल पर कभी पानी टिकता नहीं है। मैं कल भी थोड़ा सा निर्देश थोड़ा सा इशारा कर रहा था। तो परमात्मा सब में रहकर भी सबसे अलग हैं और अलग रहकर भी सबसे विचित्र हैं। पर यहां नील कमल की बात ज्यादा क्यों कही? ध्यान देना, ये नीला जो कलर होता है ना वो अनंतता का प्रतीक है। अनंतता। पानी में जाओ आप, पुरी जाना और कोई बढ़िया सी नौका पकड़ करके 5-7-10 किलोमीटर समुद्र में अंदर चले जाना और अंदर जाकर के देखना समुद्र को गौर से, नीला 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 पानी दिखेगा। क्योंकि उसका अंत नहीं है, नीचे कितनी नीची जमीन है उसका कोई अंत नहीं है, इसलिए वो नीला हो जाता है। जब बादल पूरे खुले हों, आकाश पूरा साफ हो, तो काठजोड़ी नदी के बिल्कुल बीच में चले जाना जब पानी नहीं हो, और काठजोड़ी नदी के बीच में जाके खड़े होके आकाश को देखना, तुम्हें नीला नीला दिखाई देगा। तो जो चीज अनंत होती है ना वो नीली हो जाती है। इसलिए हमारे राघव भी नील वर्ण के हैं और हमारे माधव भी नील वर्ण के हैं, उनका नील वर्ण है महाराज। तो इसका तात्पर्य है कि भगवान सुंदर हैं, रूपवान हैं, गुणवान हैं, लेकिन नील वर्ण है मतलब अनंत है। और कैसी सुंदरता? वो लाज ही तन शोभा निरख, भगवान के स्वरूप की शोभा को निरख करके कोट कोट सत काम है, सैकड़ों करोड़ काम भी लज्जित हो जाएं, ऐसी भगवान की सुंदर झांकी। आहा, बड़े सुंदर भगवान के अधर हैं। अधर अरुण रद सुंदर नासा, कोमल भगवान का मुखारविंद बड़े पवित्र लाल रंग के ओष्ठ हैं, मेरे प्रभु के पीतांबर को धारण किए हुए हैं। सुंदर भगवान का मुकुट है और ऐसी त्रिद्युत विद्युत पीतांबर धारी वरमाला पहने हैं, वनमाला पंचवर्ण के फूल जिसमें लगे, और स्मित हास्य मंद मंद भगवान मुस्कुराए। गोस्वामी जी ने भगवान की झांकी का बड़ा अद्भुत वर्णन किया है, बड़ा सुंदर वर्णन किया है। भगवान को देख करके दोनों आनंद में भर गए और उनको ऐसा लगा जैसे शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो गया। आपको मालूम है कोई आदमी कितना ही कृश हो जाए, कितना ही दुबला हो जाए, पर उसका प्रियतम अकस्मात उससे मिलने के लिए आ जाए तो अपनी कमजोरी को भूलकर वो तुरंत खड़ा हो जाता है, मिलने को दौड़ पड़ता है। जहां प्रेम है सच्चा, जहां लगाव है सच्चा, जहां भक्ति है सच्ची, दिखावटी नहीं, बनावटी नहीं, सच्चा प्रेम तो उसको कहते हैं कि साल साल भर तक हम मिलते भी नहीं, साल साल भर तक बातें होती भी नहीं, लेकिन दिल में प्रेम सच्चा छुपा हुआ है। बोलो जय श्री राम। मेरे गोविंद को वृंदावन छोड़ के जाने के बाद गोपियां कभी मिलने नहीं गईं, लेकिन सिवाय कृष्ण के दिल में किसी और को स्थान दिया नहीं, सिवाय गोविंद के किसी और को जगह मिली नहीं। प्रेम से बोलो जय श्री राम। बोले कृपा निधान पुनी अति प्रसन्न मुहि जान, माँ गहुबर जय भाव मन महादानी अनुमान। नाथ देखी पद
कमल तुम्हारे अब पूरे सब काम हमारे। नालों से देखी पद तुम्हारे अब सूरे सब काम हमारे। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे अब पूरे सब काम। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे अब कोई कामना नहीं है सब काम हमारे। एक लाल सा बड़ी उर्माही सुगम अगम कही जात सुनाई। एक लाल सा सुगम अगम कही जात सुनाई। तुम्हें देत अति सुगम गुसाई अगम लाग मोहिनी जल कृपनाई। तुम्हें देत अति सुगम गुसाई अगम लाग मोहिनी जल कृपनाई। यथा दरिद्र विबुध तरु पाई बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। सुप्रभाव जान नहीं सोई तथा हृदय मम संशय होई। सुप्रभाव जान नहीं सोई तथा हृदय मम संशय होई। सो तुम जान हो अंतर जानी पूर्व मोर मनोरथ तो तुम जानो अंतर जामी पर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाय मांगो नप मोही मोरे नहीं अदेय कछु तोई। सकुच बिहाय मांगो नप मोही वास्तविक बात तो यह है कि नाथ देखी पद कमल तुम्हारे आपके चरण कमलों को देखने के बाद में अब पूरे सब काम हमारे। सब कामनाएं पूर्ण हो गईं, सब इच्छाएं पूर्ण हो गईं, मांगना क्या है। बोले नहीं नहीं मेरी इच्छा है इसलिए आप बिना संकोच के मांगो। बोले महाराज कोई दरिद्र व्यक्ति हो और कल्प वृक्ष के नीचे उसको खड़ा कर दिया जाए तो क्या मांगेगा। उसकी पहुंच इतनी ऊंची है ही नहीं कि वो कुछ मांग सके कल्प वृक्ष के नीचे। एक तरफ तो है आप देने वाले उदार दानी, एक तरफ है मांगने वाले हम कंजूस भक्त, क्या मांगे प्रभु। क्यों कि दरिद्र जो है वो कल्प वृक्ष के प्रभाव को नहीं जानता, उसकी पहुंच उतनी नहीं है, उसके प्रभाव को नहीं जानता तो उससे वो क्या मांग सकता है। भगवान ने कहा नहीं, हम कहते हैं मांगो। प्रभु आप कहते क्या हो, सो तुम जान हो अंतर्यामी। आप तो अंतर्यामी हैं और आप तो सब जानते हैं, आपसे मांगना क्या है। अंतर हृदय की बात आपसे कुछ छुपी है क्या। भगवान बोले अंतर हृदय की बात हमसे इसलिए नहीं छुपी कि हम इधर ही बैठे हुए हैं, फिर भी मेरा मन होता है कि तुम मांगो और जो तुम्हारी इच्छा हो सो मांग लो। तो अब दोनों फिर इशारा करते हैं, तुम कुछ कहोगी, बोले नहीं आप ही कहो। उन्होंने कहा फिर आप कुछ कहो, बोले नहीं तुम ही कहो। भगवान सीताराम जी हंस रहे हैं कि देखो मैं खड़ा हूं, इनको लेने में भी संकोच हो रहा है। तो डरते 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 मांगने लगे, क्योंकि मन की भावना वाणी के माध्यम से व्यक्त करने के लिए शब्दों का माध्यम तो लेना ही पड़ेगा। कि दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सती भाव चाहो तुम्ही समान सुत प्रभुषण कवन दुरा।
बस एक बार दे दो। बिना किसी संकोच के कह रहा हूं, मर्यादा तोड़खन की कृपा नहीं मांग रहा हूं, मुझे मेरे घर आप जैसा पुत्र आ जाए, आप जैसा पुत्र मेरे घर जन्म लेकर के आवे, यही मेरे मन की अभिलाषा है, यही मेरे मन की आकांक्षा है। भगवान मुस्कुराए और बोले, अब ये तो बड़ी समस्या हो गई भाई, कोई ये कह दे कि आप मेरे बेटा बन जाओ तो भगवान एक बार बेटा बनकर काम को पूर्ण कर देते हैं, पर कोई ये कह दे कि आप जैसा पुत्र हमारे घर हो जाए वहां भगवान को तीन बार आना पड़ता है, बोलो जय श्री राम। इसलिए परमात्मा मुस्कुराए और बोले कि आप सरिस खोजहु कहां जाय, नप तब तनय हो मैं आई। बोले अब देखो जी, बात ऐसी है मनु महाराज, अब आप जैसा मैं कहां खोजूंगा, अब ये खोजने में तो बड़ा टाइम लगेगा कि मेरे जैसा कौन है, मेरे जैसा कौन है, इसलिए मैं स्वयं आपके घर पुत्र बन करके आ जाऊंगा। बोलो जय श्री राम। देखो बात यह, कहना तो उनको यही था कि आप ही बेटे बन जाए हमारे, लेकिन अब कहने में थोड़ा संकोच लग रहा है, तो आप जैसा कह दिया, भगवान बोले मैं ही आऊंगा। आप मन में फिर बोले, देवी आप भी कुछ मांगो। तो उन्होंने कहा, जो वर नाथ चतुर नप मांगा, मेरे चतुर पति देव ने जो वरदान मांगा है वो मुझे बहुत प्रिय लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरी कोई आकांक्षा नहीं है। भगवान ने कहा एव मस्तु, ऐसा ही होगा। स्वयंभव मनु ने कहा, महाराज एक बात बताइए, अब हम लोग तो अज्ञानी जीव हैं, मान लीजिए हम जन्म लेकर के आएंगे, हम राजा बनेंगे, आप हमारे घर पुत्र बनकर आए कि नहीं आए हमें क्या पता चलेगा, क्योंकि हम लोग तो मनुष्य है ना, सब भूल जाएंगे। आप हमारे घर पुत्र बनकर आए हैं ये पता चलेगा कैसे? भगवान ने कहा, मैं आज से ही आपको पिताजी बोल देता हूं, तब तो विश्वास हो जाएगा। माताजी आज से ही मैंने आपको मां बोल दिया। तो बोले, प्रभु बस एक विनम्र विनती और है। क्या? कि आप जब पुत्र के रूप में पधारे, आपके चरणों में इतनी निष्ठा हो जाए, आपके प्रति इतना पुत्र स्नेह हो जाए कि आपके बिना मैं जीवित ही न रहूं, आपके वियोग को मैं सहन ही न कर सकूं, आपके वियोग में प्राण ही निकल जाएं, और कोई आकांक्षा नहीं है। आहा, भगवान ने कहा, बिल्कुल मन में चिंता मत कीजिए, मैं आपका पुत्र बनकर के आऊंगा। जीना है आपके लिए, मरना भी आपके लिए, तुम्हारे स्मरण में तुम्हारी झांकी को देखने में जिंदगी और तुम्हारे वियोग में मौत, इतना स्नेह इतना ममत्व आपके प्रति मेरा हो जाए। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं, जब से सुना है जिंदगी मौत का नाम है, जब से सुना है जिंदगी मौत का नाम है, तब से सिर पर कफन बांध के कातिल को ढूंढ रहा हूं। बोलो जय श्री राम। कबीर दास जी महाराज कहते हैं, यदि मरने से गोविंद मिले, मरने से परमात्मा मिले, कि मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, कि मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, कब मिले हो कब भेटे हो पूरन परमानंद, कब मिलूंगा कब परमानंद की मुझे प्राप्ति होगी। भगवान ने वरदान दे दिया और वो चले गए, अंतर्धान हो गए। तो भगवान शंकर कहते हैं, एक कल्प में वही स्वयंभू मनु दशरथ जी बन करके आए। भगवान ने कहा, अभी तो आप जाइए और इंद्र की अमरापुरी में जाकर के निवास कीजिए, और फिर आप आएंगे बन करके, तो मैं आपका पुत्र बनूंगा। स्वयंभू मनु इंद्र की अमरापुरी, ये शरीर छोड़कर
इंद्र की अमरापुरी में चले गए, वहां निवास किया और वही फिर बाद में दशरथ जी बन करके आए। उनकी पत्नी शतरूपा माँ कौशल्या बनकर आई और राघव उनके पुत्र बनकर के आए राम जी। और ये बात कहते कहते भगवान शिव गदगद हो गए। यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही वृषकेतु, भरद्वाज सुन अपन पुनि राम जन्म कर हेतु। ध्यान देना, राम जन्म के 5 कारण बताए हैं हेतु, लेकिन ये जो चौथा कारण बताया है इसी में बोले हैं पुनीत। यह इतिहास पुनीत अति, और मैं पुनीत नहीं कहा, जो पहले में तो सनत कुमारों को गुस्सा आ गई और सनत कुमारों ने जय विजय को शाप दे दिया। दूसरे कारण में भगवान ने छल करके उसके सतीत्व को भंग किया, और तीसरे में नारद जी को गुस्सा आ गई, बंदर बन गए थे तो भगवान को शाप दे दिया। पर ये जो कथा प्रसंग है चौथा कारण, इसमें न तो किसी को क्रोध आया, न किसी के प्रति दुर्वचन कहे गए, सीधा सीधा भगवान को पाने के लिए तपस्या करी और राघव ने वचन दे दिया कि मैं आपके घर आऊंगा। बड़ा गर्मी 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 कर रहे थे, हमारे राम जी निकल ले खूब आनंद बरसा देते हैं। इधर स्वयंभु मनु के मन में आनंद बरसा है राम के दर्शन का, और इधर देवराज इंद्र उस पर पूरी मोहर लगाते हुए आनंद की वर्षा कर रहे हैं। आनंद की वृष्टि हो रही है। रामायण में तो आनंद ही आनंद बरसता है, और वही राम बनता है, कभी कृष्ण बनता है, आंखों का दिलदार भी वही है। मेरी आंखों में वही दिलदार है, वही दिलदार है जिस पर शैदा ये सब संसार है। मेरी आंखों में वही दिलदार है, वही दिलदार है जिस पर शैदा ये सब संसार है।
Thank you.
श्याम है और वही राम है, जो के घन श्याम है और वही राम है, जो के घन श्याम है और वही राम है। से उसको प्यार है, उसको प्यार है। सेदाए सब संसार है, जिसमें सेदाए सब संसार है। परमात्मा भक्त के बस में है और उसकी आकांक्षा, उसकी सात्विक अभिलाषा की पूर्ति के लिए अनेक रूप लेकर के मेरे गोविंद राघव आते हैं। इसलिए अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, नारायण के अनंत रूप हैं देवी भगवान के प्राकृतिका, प्रभु के अवतार का एक अंतिम पांचवा में प्रयोजन और बताना चाहता हूं। कहते हैं के देश हुआ है बड़ा प्रतिष्ठित, और के देश के जो राजा थे उनका नाम था सत्यकेतु। ध्यान से सुनना, सत्यकेतु राजा के दो पुत्र हुए, बड़े बेटे का नाम है प्रताप भानु और छोटे बेटे का नाम है अरिमर्दन, और उनका एक मंत्री था जिसको बोलते हैं धर्मरुचि। राजा ने वैभव देखा सत्यकेतु ने, और समय पाकर के अपने बड़े बेटे प्रताप भानु को राज्यगद्दी देकर के वन को चले गए। प्रताप भानु ने अपने पिताश्री के पद चिन्हों पर चलते हुए प्रजा का बड़ा प्रशासन किया और पिता की संपदा को, उनके वैभव को इतना बढ़ाया कि सातों द्वीपों के वो राजा बन गए, सातों भूविखंडों के सम्राट बन गए प्रताप भानु। एक बार वो ऐसी मृगया के लिए चले, शिकार खेलने के लिए निकल गए। अब क्योंकि इस प्रताप भानु ने दुनिया भर के राजाओं को परास्त करके उन समस्त राजाओं की राजधानियां, उन समस्त राजाओं के धन को अपने वैभव में मिला लिया, इसलिए अनेक राजा इनके शत्रु भी बन गए। राजा को यह विदित नहीं है कि मेरे शत्रु भी इतने हैं। उन्हीं शत्रुओं में एक है काल केतु, ये राक्षस है। तो काल केतु नाम का जो राक्षस है वो बराह बन करके आया। राजा ने मृगया की इतनी शिकार खेल लिया था, घर लौटने की तैयारी में था, तब तक उसको एक सूकर दिखाई दिया जंगली, और सोचा इसको भी मार दें तो अच्छा है। धनुष्मान लेकर के उसके पीछे दौड़ा, और वो इतना दौड़ा कि 70 योजन की दूरी तक उसको ले गया। विंध्याचल के पर्वतों के जंगल में ले गया और उसको भुलावे में डाल करके चला गया। प्रेम से बोलो जय श्री राम। अब प्रताप भानु को बड़ी प्यास लगी, बोले वो सूकर किधर चला गया, भरुंडम में कहां जाऊं जंगल में। तो पानी पीने की कामना से एक जगह गया तो वहां एक सुंदर सी पर्णकुटी बनी थी, और उस पर्णकुटी में एक राजा बैठा था, मुनि बनकर के बैठा था। ये काल केतु का ही मित्र था कपटी। अब मुनि बनकर के आंख बंद करके बैठा है, क्योंकि राजा ने सर्वस्व उसका लूट लिया था, तो क्या करे, बदला लेने की भावना तो उसके मन में भी थी। राजा ने कही चलो कोई बात नहीं, कोई ऋषि का आश्रम है। राजा ने जाकर के प्रणाम किया, ऋषि ने ऐसे कर दिया, यह है कपट मुनि।
राजा ने कहा महाराज बड़ी जोर की प्यास लगी, कुछ पीने को मिलेगा? बोले हाँ पी लो। जल पी लिया। राजा ने उनसे कहा महाराज जी आप इस निर्जन वन में अकेले रहते हैं, आपका शुभ नाम क्या है? मुनि बोले हमारा नाम क्या ये तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन तुम बताओ कि तुम कौन हो। तो राजा ने सुरक्षा की दृष्टि से कहा कि मैं प्रताप भानु का सचिव हूं। प्रताप भानु हूं ऐसे नहीं बोला, लेकिन वो कपट मुनि जो बैठे थे वो तो जानता है। उसने कहा देखो तुम जो भी हो तो तुम प्रताप भानु राजा ही, पर तुमने झूठ बोल करके मुझे अपना प्रताप भानु का सचिव बताया, ये बात मुझे अच्छी लगी। बोलो जय श्री राम। क्यों? कपट मुनियों को झूठ ही ज्यादा पसंद लगता है। बोले महाराज जी आपने परिचय नहीं दिया, पर देखो नाम और रूप दोनों को तो हम मिथ्या मानते हैं, हम तो संत हैं, नाम भी मिथ्या रूप भी मिथ्या। जिस दिन से ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची उसी दिन से हम ऐसे ही हैं। करोड़ों वर्ष बीत गए ऐसे ही मेरा शरीर रहता है। अरे महाराज हाँ, ये कपट मुनि ऐसे ही करते हैं। जो सच्चे मुनि होते हैं वो ये सब बात नहीं करते, और जो बनावटी होते हैं वो हिमालय से नीचे तो बात नहीं करते। हाँ आजकल साईं बाबा बड़े पैदा हो रहे हैं। बोलो जय श्री राम। हाँ एक बोलते थे साईं बाबा हम में घुस गए, वो बड़े बड़े सुंदर घुंघराले बाल। अब एक तीसरे और साईं बाबा, कल में देखना था टीवी में, वो मुंह ऐसे करके सालग्राम निकाल दिया अपने मुंह से। हाँ कोई ऐसे करके बबूती निकालते हैं, कोई ऐसे करके सोना निकालते हैं, कोई ऐसे करके पेड़ा निकालते हैं। मैं देख रहा था परसों इंडिया टीवी पर एक बहुत बड़ा जादूगर आ गया, और उसने महाराज एक लड़की को खड़ा किया और ऐसे हाथ घुमाया तो वो नागिन बन गई। हाँ फिर उसने ऐसे 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 किया तो गोरे 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 नोट निकल रहे देख लो। फिर उसने एक लड़की को ऐसे लिटाया और ऐसे किया तो हवा में उड़ गई। फिर चद्दर को खींच लिया, लड़की पता नहीं कहां चली गई। तो वो कहता ये सब चमत्कार मैं जानता हूं, क्या मुझे भी भगवान कहोगे? क्या मुझे भी भगवान मानोगे? एक बात आप सत्य समझ लो, जो चमत्कार दिखाता है वो कुछ भी हो संत तो नहीं हो सकता, ये कन्फर्म है। बोलो जय श्री राम। महापुरुष न चमत्कार में विश्वास करते हैं और न चमत्कार कभी दिखाते हैं। महापुरुषों का तो दर्शन ही चमत्कार है। अरे संत का चमत्कार तो ये है कि वो तुम्हें परमात्मा से मिला देता है। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेह बाल विनय सुन करी कृपा राम चरण रत देव। आजकल कपट मुनियों का बड़ा बोलबाला हो गया, सब बेचारे साईं बाबा के पीछे पड़ गए। साईं बाबा हम में घुस गए, साईं बाबा मुझ में आ गए, कोई सालग्राम निकाल रहा है, कोई मुंह से सोने की गेंद निकाल रहा है। अरे काय को नाटक करते हो जी, राम राम भजो इसी में कल्याण है। बोलो जय श्री राम। और यदि भगवान कोई है तो उसको दिखाने की क्या जरूरत, ऑटोमेटिक दिख जाएगा। भीड़ बुलाना, फिर प्रचार प्रसार करना, फिर टीवी बुलाना, फिर मुंह से सालग्राम निकालना, कभी मुंह से रुपये निकालना, ये तो बाजीगर का काम है, संत का नहीं। बोलो जय श्री राम। अरे हमारे संत तो सरल चित्त के होते। तो उसने कहा क्यों देखो ऐसा है, मैं जो है ना नाम रूप को तो मिथ्या मानता हूं, फिर भी तुमने कहा है तो मुझे एक तनु बोलते हैं। जब से ब्रह्मा की सृष्टि प्रकट हुई तब से हम ऐसे ही हैं। हाँ अच्छा अब तुम्हें जो चाहिए सो मांगो। तो राजा तो बड़े प्रसन्न हो गए। राजा ने कहा मैं अजर अमर हो जाऊं। बोले एवम अस्तु, मेरा परिवार सुखी समृद्ध हो जाए एवम अस्तु, दशों दिशाओं में मेरा राज्य हो जाए एवम अस्तु, सातों द्वीपों का मैं अधिपति बन जाऊं एवम अस्तु। जो बनावटी होते हैं ना, जो दिखावटी होते हैं, वो आशीर्वाद बहुत जल्दी देते हैं। बोलो जय श्री राम। और आप हृदय पटल पर नोट कर लो, जो ऐसे करके फोटो ज्यादा खिंचाता हो समझना ये 100% झूठा है।
जय श्री राम। आशीर्वाद दिया जाता है क्या? आशीर्वाद तो ऑटोमेटिक निकलता है। तुम्हारी भावना में, तुम्हारी श्रद्धा में सामर्थ्य होनी चाहिए कि आशीर्वाद स्वतः निकल पड़े। पर देखो ऐसा है, दशों द्वीपों के तुम सम्राट बनोगे, सब प्रकार का सुख मिलेगा, लेकिन उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, ब्राह्मण भोजन कराना पड़ेगा। तुम्हारे मंत्री रसोइयाओं को समझा करके मुझे स्वयं जाकर ब्राह्मण भोजन बना करके उन्हें खिलाना पड़ेगा। काल केतु की भी उसके पास में आ गया, रात्रि में राजा सो गया था थका हुआ प्रताप भानु, अब ये रात्रि में प्रताप भानु के यहां चला गया महाराज, और उनके रसोइयाओं को हटा करके स्वयं रसोई घर में पहुंच गया। ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा, उनके आशीर्वाद से तुम दशों दिशाओं के सम्राट पद पर प्रतिष्ठित हो गए, अजर अमर बन जाओगे। राजा ने विश्वास किया और इसने जो भोजन बनाया ब्राह्मणों के लिए उसमें पशु पक्षियों का मांस बना दिया। और जैसे ब्राह्मण दिन भोजन करने के लिए हुए, क्यों कालकेतु ने आके ये सब कार्य किया, जो सुअर के रूप में आया था, और उसने कपट मुनि को जाके बता दिया कि मांस आदि सब कुछ हमने बना दिया है। हजारों ब्राह्मण संत भोजन के लिए जैसे ही आए तो यह आकाशवाणी हुई, नहीं विप्रो ये भोजन तुम मत करना, आपके संग धोखा हुआ, तुम्हारे भोजन में मांस आदि परोस दिया गया है। बस महाराज ब्राह्मण लोग तो हो गए क्रोध में और बोले प्रताप भानु तुमने हमारे संग धोखा किया, हमारे हमको पथभ्रष्ट करने का प्रयास किया, मांस समर्पित कर दिया हमारे भोजन में, हम शाप देते हैं तुम्हारा पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। प्रताप भानु तो और तुम राक्षस बनोगे, तुम राक्षस हो जाओ। चरणों में गिर पड़े, माफी क्षमा याचना की। देवता उनका ब्राह्मणों आपने शाप सोचकर नहीं दिया, गलती इसकी नहीं थी, फिर भी आपने पूरे परिवार के विनाश का शाप दिया। ये दोनों भाई इतने बड़े राक्षस बनेंगे कि ब्राह्मण और संतों को भी तकलीफ देंगे। वही प्रताप भानु जो था वो जन्म में रावण बन करके आया, उसका भाई जो अरिमर्दन है वो कुंभकर्ण बन करके आया, और इनका महामंत्री जो धर्मरुचि है वही विभीषण बन करके आया, विभीषण के रूप में वो प्रतिष्ठित हुआ। क्योंकि धर्मरुचि उस जन्म में भी परम भक्त था, सुशील था, और भगवत कृपा से इस जन्म में भी वो परम भक्त बना। आहा, ऐसे महापुरुष के उपजे यद्यपि पुलस्त्य कुल पावन अमल अनूप, तदपि महीसुर साप बस भय सकल अगरू। उत्तम कुल पुलस्त करण आती, रावण कोई छोटे मोटे ब्राह्मण कुल में जन्मा नहीं, ऋषि पुलस्त का नाती है, ऋषि पुलस्त के कुल में जन्म लिए, लेकिन ब्राह्मणों के शाप की वजह से अगरूप हो गए, पाप रूप हो गए। अब तो इनकी परिस्थिति बड़ी विचित्र बनी, हमको भगवान से भी ऊंचा पद प्राप्त हो, सारी सृष्टि हमारे इशारे पर चले, इसके लिए इन्होंने जाकर के तपस्या की। बहुत देर हो गई, प्रेम से बोलो जय श्री राम। इन्होंने तपस्या की। भगवान शंकर कहते हैं मैं और ब्रह्मा जी हम दोनों वर देने के लिए गए। ब्रह्मा ने कहा कहो क्या चाहिए। ऐसी कठिन तपस्या की थी इन्होंने, तो रावण ने बोल दिया।